everyone, myself Kalakti Chavriya, and today we will gonna talk about on a textbook and characteristics of a textbook. So here's the first meaning of a textbook. Meaning of textbook. Textbook is a book used for a study material. To make the textbook useful for the student and the teachers, we have to make our textbook interesting and easy for everyone. No textbook will be useful unless it has the characteristic like this. कोई भी textbook तब तक अच्छी नहीं होती जब तक कि उसके अंदर ऐसी जो उसको अच्छी बताने वाली उसकी विशेषता ना हो. तो एक अच्छे टेक्स्ट बुक की क्या क्या विशेषता होती है, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड टेक्स्ट बुक, सो वी विल स्टडी अबाउट दिस कैरेक्टरिस्टिक. फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज द इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन ऑफ द टेक्स्ट बुक मेक द बुक वेरी इंटरेस्टिंग एंड अट्रैक्टिव. विदाउट इंट्रोडक्शन अ बुक इज नॉट यूजफुल फॉर एनीवन. जब तक कि हम किसी टेक्स्ट बुक का इंट्रोडक्शन अट्रैक्टिव नहीं बनाते हैं तब तक वह बुक कोई काम की नहीं होती, क्योंकि सबसे पहले उपयोगकर्ता या सीखने वाला सबसे पहले बुक के अंदर इंट्रोडक्शन पर जाता है, इंट्रोडक्शन को देखता है कि उस बुक के अंदर किस किस बारे में जानकारी दी गई है. और नेक्स्ट क्वालिटी इज contain list. Contain list or index. Here contain list means or index means a list about subject matter. जिसके अंतर्गत किसी सब्जेक्ट की विषय सूची दी गई हो कि कौन कौन से विषय इसके अंतर्गत सम्मिलित किए गए, वो बुक की प्रस्तावना किया उसके परिचय के जस्ट बाद में दिया जाता है कि इसके अंदर कौन कौन से पाठों की जानकारी दी गई है. नाउ विल टॉक अबाउट नेक्स्ट क्वालिटी दैट इज आउटर आउटर साइड ऑफ द बुक. Outer side of the book. Here outer side of the book means जैसे कि जो बाहर का पृष्ठ होता है जिसके अंतर्गत उसका कागज होता है, उसके अंदर जो पेंटिंग्स होती है, उसका जो नाम लिखा होता है, name of the textbook and drawing and about the color and size of the words. इसके अंतर्गत आता है जो बाहर का जो हमारे पाठ्य पुस्तक का जो कवर होता है, जो जिल्द होती है, जिसके अंतर्गत बाहर जो जैसे इंग्लिश की बुक है तो उस पर लिखा जाता है पेडागॉजी ऑफ इंग्लिश, और वो भी कलरफुल शब्दों से लिखा जाता है, कलरफुल स्याही का उपयुक्त किया जाता है, जिससे कि एक जो किताब होती है बाहर से अट्रैक्टिव दिखने लग जाती है. तो उसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है. द नेक्स्ट क्वालिटी इज एग्जाम्पल. A good textbook is a full of example and not only example those example that is clear and suitable for the subject and students. वो एग्जाम्पल जो suitable हो students के लिए, समझने में सहज हो और जिसको देखते ही उन्हें समझ में आ जाए. एंड वेराइटी ऑफ एग्जाम्पल विल यूज इन द टेक्स्ट बुक. और जो वेराइटी ऑफ एग्जाम्पल्स होते हैं यानी कि जिसके अंदर बहुत सारी विभिन्नता है, ऐसे एग्जाम्पल्स का, ऐसे उदाहरणों का उपयोग हमें अपने टेक्स्ट बुक के अंदर करना चाहिए. नेक्स्ट क्वालिटी इज प्रेजेंटेशन. प्रेजेंटेशन इज द बेस्ट वेपन टू अट्रैक्ट एंड टू मेक अवर टेक्स्ट बुक वेरी इंटरेस्टिंग इन फ्रंट ऑफ एनीवन. जो प्रेजेंटेशन होता है हमारा, वो सबसे बड़ा हथियार होता है, जो सबसे अच्छी चीज़ होती है, एक हथियार के रूप में हम उपयोग कर सकते हैं, वो है प्रेजेंटेशन. क्योंकि प्रेजेंटेशन से सारी चीज़ें बहुत पहली नज़र में ही किसी को अच्छी लगने लग जाती है, यानी पहली नज़र में किसी को अट्रैक्ट कर देती, आकर्षित करती. तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वालिटी है एक बुक की है प्रेजेंटेशन, यानी प्रेजेंटेशन किस प्रकार होना चाहिए. पहले प्रेजेंटेशन में उसका इंट्रोडक्शन होना चाहिए, इंट्रोडक्शन आफ्टर कंटेंट लिस्ट आफ्टर आउटर पेजेस
एन आउटर कवर एंड देन एग्जाम्पल एंड देन प्रेजेंटेशन। तो प्रेजेंटेशन को व्यवस्थित रूप में यानी कि क्रमवार यदि व्यवस्थित किया जाए तो एक बुक बहुत ही अच्छी होती है। और एक ये अच्छी गुड, ये एक गुड टेक्स्ट बुक की A1 क्वालिटी है कि उसका प्रेजेंटेशन A1 होना चाहिए। नेक्स्ट क्वालिटी विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वालिटी इज एक्सरसाइज एंड वोकैबुलरी। When we are talking about a language textbook, the language textbook is very good if textbook including exercise and vocabulary skills. If vocabulary skill and exercises will not appear in textbook, the textbook is useless and futile for the students. अगर उसके अंदर हम एक्सरसाइज इंक्लूड नहीं करते हैं या वोकैबुलरी का उपयोग नहीं करते हैं तो एक लैंग्वेज की बुक निरर्थक है, उसका कोई उपयोग ही नहीं है। नेक्स्ट क्वालिटी इज साइज ऑफ वर्ड्स एंड पिक्चर्स। साइज ऑफ वर्ड्स मीन्स द साइज शुड बी अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स एज, स्टूडेंट्स मेंटल एज एंड स्टूडेंट्स एज। मीन्स यहाँ पे जो साइज होनी चाहिए वर्ड्स की वो स्टूडेंट की एज के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। इफ स्टूडेंट्स इज बिलोंग टू प्राइमरी क्लासेस द वर्ड शुड बी बिग। इफ स्टूडेंट बिलोंग्स टू अपर क्लासेस द वर्ड शुड बी स्मॉल। इसका मतलब ये होगा कि यदि वो बच्चों को छोटे शब्द होंगे तो छोटे बच्चे उसको अच्छे से, मतलब उनका इंटरेस्ट उस चीज़ में जाएगा ही नहीं। और यदि हम छोटे बच्चों के अकॉर्डिंग शब्दों का उपयोग थोड़ा बड़ा करेंगे तो बच्चों को वो चीज़ें अट्रैक्टिव लगेगी और देखते ही उस चीज़ को वो समझ जाएंगे। उसी जगह हम बड़े बच्चों की बात करें तो बड़े बच्चों की पाठ्य पुस्तक के अंदर, टेक्स्ट बुक के अंदर छोटे शब्दों को यूज़ करना चाहिए ताकि बहुत सारी चीज़ें एक बुक के अंदर समाहित की जा सके। थैंक यू।